पंजाब पुलिस ने पंजाब राजस्थान सीमा पर मोस्ट वांटेड गैंगस्टर विकी गोंडा सहित तीन गैंगस्टर का एनकाउंटर किया। स्पेशल ऑपरेशन दौरान पंजाब पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की, जबकि इस दौरान दो पुलिस अधिकारी भी घायल हुए, जिन्होंने इलाज के लिए अबोहर के अस्पताल में दाखिल करवाया गया। आप देख सकते हैं तस्वीरें ग्राउंड जीरो से, जहां पर पंजाब पुलिस ने दो गैंगस्टर को ढेर किया, जबकि तीसरा गैंगस्टर हॉस्पिटल जाते वक्त दम तोड़ गया। ऑपरेशन दौरान विकी गोंडर प्रेमा लाहौरिया मौके पर ही इस घर में पुलिस के साथ एनकाउंटर में मारे गए। विकी गोंडर की लाश घर के अंदर, जबकि उसके साथी प्रेमा लाहौरिया की लाश घर के बाहर। दरअसल विकी गोंडर मोस्ट वॉन्टेड गैंगस्टर था, जिसकी पिछले लंबे समय से पुलिस को तलाश थी और पुलिस काफी दिनों से उसके पीछे लगी हुई थी, और आज पुलिस ने इन दोनों को ढेर कर दिया, जबकि तीसरा साथी हॉस्पिटल में जाते वक्त उसकी भी मौत हो गई। एआईजी गुरमीत सिंह चौहान ने मीडिया से जानकारी साझा करते हुए कहा, गुप्त सूचना के आधार पर स्पेशल ऑपरेशन के दौरान राजस्थान के इस हिंदुमल कोट इलाके में पड़ते ढानी लखविंदर सिंह के यहाँ रेड कर दी, जिस दौरान सामने से गैंगस्टर ने फायरिंग की, तो जवाबी फायरिंग में गैंगस्टर विक्की गोंडर और प्रेमा लाहौरिया मारा गया। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। एआईजी ने बताया कि करीब 15 मिनट के ऑपरेशन के दौरान गैंगस्टर ने 10 से 15 राउंड फायरिंग की, जबकि पुलिस ने बदले में करीब 40 राउंड फायरिंग कर सफलता हासिल की। हालांकि इस मुकाबले में उनके पुलिस अधिकारी सब इंस्पेक्टर बलविंदर सिंह और एएसआई कृपाल सिंह भी घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अबोहर के सरकारी अस्पताल में दाखिल करवाया गया। पुलिस के मुताबिक उक्त गैंगस्टरों से तीन हथियार और नारकोटिक्स का सामान बरामद हुआ है, जिसकी अभी तफ्तीश जारी है। अबोहर से संजीव अरोड़ा। तो उस सिलसिले में जब हमारी कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन इस एरिया के में मूवमेंट की पता चला, तो हमने अपना यहाँ पे स्टेशन, अपनी टीमें स्टेशन कर दी। तो जैसे ही एक कंफर्मेशन हो गई कि उनके पास एक गाड़ी है और उनकी मूवमेंट जो है कहीं इस इन दो तीन गांवों में है, तो उसके बाद स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन पे आज हमने इसके यहाँ लोकेशन पे जो लखविंदर सिंह की ढाणी है, इस पर रेड किया। तो रेड के दौरान पुलिस पार्टी जब एंटर करने लगी, तो उन जो तीन शख्स जहाँ पे छुपे हुए थे, तो उनको मौका दिया गया, उनको बताया गया कि सरेंडर कर दें। बंद सरेंडर ना करने की वजह पे उन्होंने पुलिस पे फायरिंग कर दी। तो जवाबी फायरिंग में दो शख्स जो हैं, जिनमें से एक की शनाख्त विकी गोंडर और दूसरा प्रेमा लाहौरिया। विकी गोंडर नाभा जेल ब्रेक केस, नाभा जेल ब्रेक से जेल ब्रेक में शामिल है, वो जेल से भागा हुआ है। सुखा कालवा एक गैंगस्टर है, उसके मर्डर के में भी इनकी अक्यूज्ड है। प्रेमा लाहौरिया उसके साथ पहले कई केसेस में वांटेड है, पीओ चल रहा है। तीसरा बंदा जो उसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं हुई है, तो वो प्रेमा लाहौरिया और विकी गोंडर दोनों मौके पर भी मारे गए, और जो तीसरा शख्स जो इंजर्ड था उसको हॉस्पिटल में भिजवा दिया गया अबोहर। और इसमें दो मुलाजम हमारे पुलिस के, ये कृपाल सिंह और बलविंदर सिंह, दोनों इंजर्ड थे। इस घटना में दो अपराधी जिनकी शिनाख्त की जा चुकी है, उनके शव यहीं पर ही हैं, और तीसरे जो उसको यहां से आगे लेकर के गए अबोहर में, उसकी जानकारी है। इस संबंध में सारी कार्यवाही नियमानुसार की जा रही है और सभी प्रावधानों का पालना भी की जाएगी, और साथ ही साथ इन्वेस्टिगेशन पूर्णतः साइंटिफिक तरीके से की जाएगी।